हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं सत्यम सर, आप सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पर। जल्दी से कमेंट करके बताओ कैसे हैं सब लोग। आवाज क्लियर आ रहा है मेरा। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग, थर्ड चैप्टर। पहले दो चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं बहुत ही अच्छे से। हेलो हेलो, जल्दी से कमेंट करो कैसे हैं सब लोग। एकदम मस्त। आप कैसे हो? मैं भी एकदम मस्त सर। भारत जीत गया। यस। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। यस, चंद्रयान 3 लैंडेड सक्सेसफुली। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। चलो बच्चों, तो अभी स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को बेसिक से देखेंगे हम लोग। स्टार्टिंग से ध्यान देना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा और बहुत ही अच्छे से दिमाग में फिट हो जाएगा ये चैप्टर। बस फुल कॉन्सेंट्रेशन से देखना है। हाउ आर यू सर? एकदम मस्त। जल्दी से शेयर करो दोस्त, अपने दोस्तों तक ये वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। बच्चों आप शेयर नहीं करते हो, बहुत कम लोग शेयर कर रहे हैं। देखो, न्यू चैप्टर है आज, मोशन इन अ प्लेन। बेसिक से देखेंगे एक एक वर्ड, मोशन क्या होता है, प्लेन क्या होता है, सब चीज देखेंगे। चलो तो शुरू करते हैं बच्चों। देखो, बेसिक डेफिनेशंस, आप जब भी कोई चैप्टर आपके बुक में देखते हो, स्टार्ट होता है तो एक बॉक्स दिया होता है, कैन यू रिकॉल करके, डू यू नो या कैन यू रिकॉल, ऐसे कुछ होता है। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए थे, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस। तो हम लोग देखेंगे क्या है वो क्वेश्चंस, क्या नहीं है। पहले क्वेश्चन में वो पूछता है कि मोशन मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, मोशन मतलब मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसको मैं मोशन बोलूंगा। बस वही दिया है। देखो, मोशन इज अ चेंज इन पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम। देखो, अभी अगर ऑब्जेक्ट के कोई पोजिशन में अगर चेंज करना है तो टाइम तो लगेगा, बिल्कुल 0 सेकेंड के अंदर तो कोई चीज होने वाली नहीं है। तो मोशन मतलब ऑब्जेक्ट के पोजिशन में चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ। अभी ये मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अभी मैं यहाँ पर मूव हो रहा हूँ, मुझे कुछ टाइम लगा मूव होने के लिए, टाइम लगा। यस, तो अभी इसी को मैं मोशन में था, यही बोल रहा हूँ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टिलिनियर। वर्ड को ब्रेक करके पढ़ेंगे। लीनियर, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। यस, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, वही दिया है। अभी मैं डेफिनेशन पढ़ूंगा, फिर एक्सप्लेन करूंगा सब चीजें। व्हेन वी रिक्वायर ओनली वन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड टाइम टू डिस्क्राइब पार्टिकल्स मोशन, इट इज सेड टू बी इन लीनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। देखिए, वन कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या है सर? आपके पास कितने कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं? देखिए, ये एक एक्स एक्सिस होता है, ये एक वाई एक्सिस होता है और ये एक जेड एक्सिस होता है। ये एक्सिस एक्चुअल में कैसे दिखते हैं सर? देखो, ये एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, वो वाई एक्सिस, और एक एक्सिस जो आपकी तरफ आ रहा है, यस, ऐसे जो आपकी तरफ आ रहा है उसी को मैं जेड एक्सिस बोलूंगा। जेड एक्सिस यहां पर मैं ऐसे दिखा नहीं सकता हूं, इसलिए मैंने ऐसे दिखाया है। अभी देखो, ये भी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये भी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये भी एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है।
अगर कोई भी पार्टिकल मूव होता है और वो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मूव होता है, मतलब अगर एक्स है तो एक्स के अंदर ही मूव हो रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यस। तो इसको क्या बोलूंगा मैं, इसको मैं बोलूंगा स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है, तो इसी को मैंने नाम दिया था रेक्टिलिनियर मोशन। यस, अभी ये तो मैंने एक्स एक्सिस के बारे में बताया, अभी अगर पार्टिकल सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग मूव हो रहा है, यस, सिर्फ वाई एक्सिस के अलोंग, तो इसको भी मैं रेक्टिलिनियर मोशन ही बोलूंगा, एक ही एक्सिस के अलोंग जा रहा है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। सिमिलरली फॉर जेड भी ऐसे, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है और वो यही बता रहा था कि व्हेन वी रिक्वायर ओनली वन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड टाइम टू डिस्क्राइब पार्टिकल्स मोशन। देखिए रेक्टिलिनियर मोशन भी क्लियर हो जाएगा। सर पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? देखो सुशील, ऐप डाउनलोड करना पीजीएमएन का प्ले स्टोर से, फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक ऐप पीजीएमएन, वहां पर आप ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टडी मटेरियल में जाना, स्टडी मटेरियल में जाने के बाद सक्सेस बैच आएगा, उसमें डेली के डेली पीडीएफ डालते चलो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, ये चीज अगर किसी को क्लियर हो गई तो खत्म है बच्चों, आपको काइनेमेटिक्स मतलब ये जो मोशन वाला पार्ट है ना, इसमें डाउट नहीं आएगा कहीं पे। देखो डिस्टेंस मतलब एक्चुअल लेंथ ट्रेवल, जितना आपने एक्चुअल ट्रेवल किया उसको मैं डिस्टेंस बोलता हूँ, ठीक है? एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल के साथ, टेंशन मत लेना, बस कंसंट्रेशन से ध्यान देना। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। यस सर, भाई लेक्चर शिफ्ट इन ऐप, ऐप में कहाँ शिफ्ट हुआ है, यही पर है लेक्चर, बस पीडीएफ आपको नोट्स जो होते हैं ना वो आपको उधर मिलेंगे। यस थैंक यू सुशील। चलो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल मतलब, अभी अगर आप कभी कॉलेज जाते होंगे, हाँ कॉलेज तो जाते हैं सर, डेली जाते हैं, लेकिन लेक्चर नहीं करते वहाँ पे। सर प्लीज लेक्चर लाइव या रिकॉर्डेड नको, लाइव चालू है, रिकॉर्डेड कुटा है प्रणव। हाँ अभी देखना, कॉलेज जाते हो सब लोग? यस सर जाते हैं, बट लेक्चर नहीं करते, नहीं उसकी ज़रूरत भी नहीं है, हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं आपको बहुत अच्छे से। तो चलो अगर डिस्टेंस, अगर ये आपका कॉलेज है, यस ठीक है, और यहाँ पर आपका घर है, अभी देखना ये आपका कॉलेज है, ये आपका घर है, कॉलेज छूटने के बाद घर जाते हो क्या? घर तो जाते हैं सर, घर जाते हो, लेकिन सीधा घर नहीं जाते हो, इधर उधर घूमने जाते हो, किसके साथ वो मत पूछो सर। ओके देखो अगर कॉलेज है, इधर यहाँ पे कोई एक कैफे है, उसके बाद यहाँ पर एक पानीपुरी वाला है, इधर जितने आप एक प्लेट में दो लोग खाते हो। हाँ देखो अभी कॉलेज से आप जाते हो कैफे में कुछ खाया, फिर आपके फ्रेंड ने बोला कि अभी पानीपुरी खाना है, तो इधर गए और फिर पानीपुरी खाने के बाद आप घर पे गए। अगर मैं बोलूँ एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, ये एक किलोमीटर था, ये एक किलोमीटर था और ये दो किलोमीटर था, ठीक है? तो आपने कितना डिस्टेंस चला है, कितना गए आप, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, एक दो और ये दो, चार किलोमीटर चले सर। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आप अगर डायरेक्टली यहाँ से घर चले जाते कॉलेज से, तो ये तो डिस्टेंस सिर्फ दो किलोमीटर ही था, मतलब आप बहुत ज़्यादा घूम कर गए हो, लेकिन आपको किसके साथ तो भी घूमना था। हाँ किसी के साथ तो भी घूमना था, इसीलिए हम ऐसे गए सर। तो अभी देखना यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा आपका।
डिस्टेंस होता है एक्चुअल लेंथ ट्रैवल। अगर मैं ये एग्जांपल लूँ ना, तो इस एग्जांपल में देखिए एक्चुअल कितना ट्रैवल किया आपने, एक एक दो और ये दो चार, मतलब 4 मीटर 4 किलोमीटर ट्रैवल किया आपने। यस देन डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट के डेफिनेशन में, शॉर्टेस्ट इनिशियल और फाइनल। ठीक है अभी देखना, इनिशियल क्या था आपका, ये इनिशियल मार्क था आपका। यस क्लियर है? ये इनिशियल मार्क था आपका जहां से आपने स्टार्ट किया, और ये आपका फाइनल था। इसके बीच में शॉर्टकट ढूंढो, शॉर्टकट बहुत अच्छे से ढूंढते आता है बच्चों आपको शॉर्टकट। इन दोनों के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस यही है सर, सीधा सीधा जाओ। हाँ सीधा सीधा जाओ, किधर घूमने की जरूरत नहीं, घर पे जाके पढ़ाई करो, 2 किलोमीटर। तो मैं अगर बोलूं कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 किलोमीटर। जल्दी से बच्चों बताओ, मजा आया क्या, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्लियर हुआ क्या? यू टीच वेरी वेल, थैंक यू। चंद्रयान मिशन सक्सेसफुल, यस कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। मैथ एंड केमिस्ट्री इज शिफ्टेड इन ऐप। अच्छा रोड सीधा ना हो तो कंसेप्ट समझा क्या सुयश आपको? यस विनायक, ओके सुशील, यस सर, ओके। यस चलो सबको समझ गया है। तो अभी डेफिनेशंस पे जाते हैं। देखिए डिस्टेंस मतलब क्या बोला है, द कंप्लीट लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। कंप्लीट डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में आप जितना चले हो ना उतना कंप्लीट। डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन। मिनिमम मतलब शॉर्टेस्ट ही हुआ, वही मैंने बताया आपको। यस देन अभी देखना यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अभी एक कोई बहुत सीधा साधा लड़का है, सीधा साधा मतलब आपके ही जैसा है, जो एकदम गाड़ी एकदम आराम से चलाता है। अभी देखिए ड्राइंग पर ध्यान मत देना, कंसेप्ट पर ध्यान देना। अगर ये कोई एक कार है इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, ओके तो अभी देखना मैं कुछ पॉइंट्स मार्क करूंगा टाइम के लिए। यहां पर अगर मैं बोलूं तो टी इक्वल टू जीरो है, यहां पर अगर मैं बोलूं तो टी इक्वल टू वन, यहां पर मैं बोलूं तो t इक्वल टू टू, यहां पर बोलूं तो t इक्वल टू थ्री, और थोड़ा और आगे लेकर अगर बोलूं तो ये t इक्वल टू फोर। सिमिलरली मैं नॉन यूनिफॉर्म वाले केस में भी वही करूंगा, बस अभी चेंज क्या होने वाला है वो देखना। अभी ठीक है चलो बच्चों ध्यान देना, अभी ये एक एक सेकंड का मैंने इंटरवल बनाया है। अभी ये कोई एक गाड़ी है जो एकदम आराम से चला रहा है, सेम स्पीड से चला रहा है। सेम स्पीड से मतलब अगर वो एक सेकंड में कितना डिस्टेंस चलता है, 20 मीटर चलता है। ओके सर इसने भी चला पहले सेकंड में 20 मीटर, ओके अभी दोनों ने सेम सेम चल लिया है। ठीक है अभी अभी क्या होता है, इसको लगता है नहीं मैं बहुत धीरे से चल रहा हूं, तो अभी ये अपनी स्पीड बढ़ा देगा। ये अपना बेचारा बहुत सीधा साधा भोला भाला लड़का है, ये 20 मीटर ही चलेगा, इसने अपनी स्पीड बढ़ा दिया, ये चला अभी 30 मीटर। इसको लगा नहीं मैं अभी और स्लो जा रहा हूँ, और बढ़ा दिया तो इसने 50 कर दिया। अभी उसको घबराने लग गया, उसके पीछे वाला हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया, अरे अब बाप रे क्या हो रहा है ये। तो अभी उसने फिर और कम कर दी स्पीड और वो फिर चला 40 मीटर। लेकिन ये अपना भोला भाला जो इंसान था आपके जैसा, ये 20 मीटर ही चल रहा था हर एक सेकंड में। यस
देखो अभी डिफरेंस क्या है दोनों में, एक सेकंड में ये 20 मीटर चला, अगले एक सेकंड में भी 20 मीटर, अगले एक सेकंड में भी 20, अगले एक सेकंड में भी 20, लेकिन इसका देखिए पहले 20, 30, 50, 40 कम ज्यादा वो चल रहा था वो। तो अगर वो एक ही सेम डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको यूनिफॉर्म मोशन। अगर वो अनइक्वल अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करता है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, तो यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? जल्दी से थम्स अप करके बताओ। डेफिनेशंस पर जा रहा हूं अभी। तबीश आप एग्जिट करके वापस ज्वाइन करके चेक करो एक बार। देखो एक्सेलरेशन पे भी आएंगे सुयश, अभी उसकी बात नहीं करूंगा मैं। सब चीजें क्लियर होंगी, बिल्कुल टेंशन मत लेना। अभी का क्लियर हुआ है कि आपको वो बताओ मुझे, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यस वेरी गुड। चलो तो अभी देखो बच्चों, एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? यस। तो चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अभी रेक्टिलिनियर मोशन के डेफिनेशंस वगैरह, उसमें क्या क्या होता है क्या नहीं, सब देखेंगे। एक एक टर्म क्लियर होगी, ठीक से ध्यान देना अभी। रेक्टिलिनियर मोशन की डेफिनेशन दिया है, व्हेन वी रिक्वायर ओनली वन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड टाइम टू डिस्क्राइब पार्टिकल्स मोशन, इट इज सेड टू बी लीनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। अभी अभी थोड़ी देर पहले पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। देन डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है बच्चों हमारा। डिस्प्लेसमेंट होता है ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन T1 एंड T2 इज द डिफरेंस बिटवीन पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टू इंस्टेंसेस। अभी इसका मतलब क्या है सर, समझा दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। इसका मतलब है देखो, यस थम्स अप किया है बहुत सारे बच्चों ने, समझ में आया है मतलब। यस वेरी गुड। देखो बच्चों, अगर मेरी ड्राइंग बहुत खराब है बच्चों, ड्राइंग पर ध्यान मत देना, कंसेप्ट लेकिन आपका बिल्कुल भी वीक नहीं रहेगा। ये है, कौन है ये देखते हैं। हाँ ये सुयश है। जो एक्सेलरेशन के बारे में पूछ रहा था, अभी ये क्या कर रहा है पता है? ये अभी अगर ओरिजिन पे है, मतलब x इक्वल टू जीरो पर है, सॉरी ये अगर x इक्वल टू जीरो पर है तो अभी क्या हो रहा है पता है? ये चलते जा रहा है आगे। अगर वो यहां कहीं आ गया, ये अगर x इक्वल टू है 4 मीटर, अभी यहां पर आ गया वो कहीं पे, अगर मैंने T1 टाइम पर लिया और अगर मैं बोलूं कि T2 टाइम कोई है और वहां पर वो आ गया 7 मीटर्स पर, तो देखिए टाइम T1 और T2 के बीच में वो यहां से यहां तक चला गया है। यस हाँ, वो यहां से यहां तक चला गया है। तो इसमें वो क्या हुआ, अभी डिस्प्लेसमेंट अगर फाइंड करना है, इसको अगर मैं बोल दूं, इसको अगर मैं X1 बोलूं और इसको अगर मैं X2 बोल दूं, तो ये क्या हो जाएगा? अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है T1 से T2 तक जाने में, यही वो बोल रहा है T1 एंड T2, T1 से T2 तक जाने में अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे? शॉर्टेज डिस्टेंस चाहिए होता है। यस शॉर्टेज डिस्टेंस चाहिए होता है, लेकिन अभी देखना यहाँ पर तो स्ट्रेट ही जा रहा है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस यही हो गया X1 X2। डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजिशन, शॉर्टेज डिस्टेंस ढूंढना उसका, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। ये इनिशियल था अभी और ये फाइनल हो गया अभी। यस तो क्या हो जाएगा, X2 - X1, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट T1 से लेके T2 तक। समझ में आया? समझ में आया होगा तो जल्दी से बताओ बच्चे, कमेंट नहीं कर रहे ज्यादा बच्चे, सो गए क्या? इसी चीज को X2 - X1 को मैं डेल्टा X भी बोल सकता हूं। अभी और एक चीज इंट्रोड्यूस करनी है मुझे इसमें,
हाँ विनायक, T2 माइनस T1 तो टाइम का डिफरेंस हुआ ना, टाइम को लिए T लेते हैं ना हम। यस ओके, देखो यही डिस्प्लेसमेंट जो मैं बोल रहा था इसको S से डिनोट किया जाता है। अभी डिस्प्लेसमेंट स्केलर है या वेक्टर है, लास्ट चैप्टर में पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन भी होता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको मुझे S वेक्टर से दिखाना पड़ेगा, X2 मतलब पोजीशन है, तो इसको भी X2 वेक्टर X माइनस X1 वेक्टर इक्वल टू डेल्टा X वेक्टर। वेक्टर क्यों दिखा रहे हो सर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। चलो यस हाँ, अभी नेक्स्ट पाथ लेंथ। पाथ लेंथ क्या होता है? पाथ लेंथ क्या होता है बताना सर। देखो बच्चों पाथ लेंथ कुछ नहीं होता है, पाथ लेंथ मतलब डिस्टेंस भी बोला जाता है इसको, सिर्फ हाँ वेक्टर। चलो पाथ लेंथ मतलब दिस इज द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन। मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्लियर किया था, वो जो एक बच्चा था सीधा साधा भोला वाला कॉलेज से बाहर डायरेक्ट सीधा घर जाता था, वो डिस्टेंस सर दोनों डिस्टेंस थे, दोनों बच्चे जा रहे थे। यस देखो अभी आप कहीं से भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल और फाइनल होता है, डिस्टेंस में नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अलग अलग चीजें हैं, बहुत डिफरेंस है दोनों के बीच में। देखिए एक टर्म आपकी लिखा के दूंगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, कभी भूलना नहीं, इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो येस कमेंट करके बताइए जल्दी से, आपसे आंसर निकलवाऊंगा मैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यस, अगर डिस्टेंस कोई टर्न नहीं लेगा तो विनायक कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सांगे। चलो ये हो सकता है जब ऑब्जेक्ट की मोशन स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन हो और वो टर्न नहीं ले रहा है, स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्न, इसको मैं बोलता हूं पलटी नहीं मारना चाहिए उसने। पलटी मतलब आपके दोस्त लोगों का प्लान होता है, हम घूमने जाएंगे, यस सब रेडी हो जाते हैं, पांच लोग तुरंत बोल देते हैं हाँ हम आएंगे, फिर चार दिन बाद जाना होता है तो एक एक दिन एक एक कटता है, दो बजते फिर वो दूसरा भी आइन वक्त पे फोन नहीं उठाता है, वो बोल देता है कि नहीं मैं भी नहीं आऊंगा, पलटी मार दिया उसने अपनी बात से। हाँ लेकिन ये पलटी अलग है, अगर पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है और अगर ऐसे घूम के आ रहा है तो इसको मैं बोलूंगा कि यहाँ पर उसने क्या किया, पलटी मारा, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होंगे ना। आपको बुरा लगता है क्या, किस बात का भाई। चलो अभी नेक्स्ट लिख रहा हूं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है क्या? और भी लिखता हूं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो सकता है क्या? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें है ये, 1, 2 और 3। फर्स्ट तो आपने बता दिया, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड और थर्ड में से कौन सा करेक्ट है? लेक्चर में ज्यादा लोग नहीं है, हाँ बुरा तो लगता है, मोटिवेशन नहीं मिलता है, जितने ज्यादा बच्चे होते उतना मोटिवेशन ज्यादा मिलता है, फिर एनर्जी भी अलग लेवल की होती है, इसलिए बोलता हूँ शेयर किया कीजिए आप। सर नोट्स कुठे आहेत? PGMN ऐप डाउनलोड करा प्ले स्टोर वरन, त्याच्यावरती सक्सेस बैच मध्ये जा, सक्सेस 4.0, त्याच्यात गेल्यावरती तुम्हाला नोट्स मिळून जातील, डेली लेक्चर झालं की नोट्स अपलोड होऊन जातात। थर्ड नहीं होगा, यस थर्ड इज रॉन्ग, सेकंड इज करेक्ट। अभी ये ध्यान देना, ये रॉन्ग ही है, डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा। तो मैं एक ही शब्द में लिख दूं, डिस्टेंस कैन बी
ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ बच्चों? जल्दी से कमेंट करके बताओ समझ में आया क्या। चलो नेक्स्ट, अभी हम लोग वेलोसिटी में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का कंसेप्ट उम्मीद करता हूँ आपको समझ गया होगा। यस, एक होता है वेलोसिटी और एक होता है स्पीड। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी स्केलर कौन सी वेक्टर। हालांकि सबसे इजी है, अगर वेलोसिटी वी से स्टार्ट हो रही है तो ये वेक्टर याद रखने के लिए याद रखना ऐसे, और ये स्पीड एस से स्टार्ट होता है तो ये स्केलर। देखिए अभी स्पीड तो आप देखते आए हैं बचपन से, गाड़ी की स्पीड बोलते हो, इतनी स्पीड थी उतनी स्पीड थी, 40 के स्पीड से गया, 40 से तो चलाते ही नहीं सर हम, 70-80 की स्पीड होती है हमारी। यस, स्पीड का फॉर्मूला पता है आप लोगों को, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ, एवरेज और इंस्टेंटेनियस पर थोड़ी देर बाद आऊंगा, मैं अभी बेसिक ही बता रहा हूँ। यस सुयश करेक्ट, ये मैंने स्पीड का बताया, वेलोसिटी का वैसे ही है, उधर जैसे डिस्टेंस है यहाँ वैसे डिस्प्लेसमेंट है। और टाइम, टाइम तो खैर कोई नहीं बदल सकता भाई, अपने को ही अपना टाइम बदलना पड़ता है। फिर लोग बोलते हैं अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आता नहीं है, अपना टाइम लाना पड़ता है बच्चों। चलो, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आता है, स्पीड में डिस्टेंस आता है, यही डिफरेंस है। अभी एवरेज का क्या है सर? हाँ, एवरेज का भी बता देता हूँ आपको, एवरेज का क्या है। अगर समझो कोई एक क्लास है जिसमें 10 स्टूडेंट्स है, मैं अभी एवरेज और इंस्टेंटेनियस का कंसेप्ट बताने जा रहा हूं बच्चों, ठीक से ध्यान देना एकदम। 10 स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं कुछ आउट ऑफ 100, कुछ मार्क्स आए, किसी को 70 आए, किसी को 75 आए, किसी को 80 आए, किसी को 85 आए, किसी को 90 आए, किसी को 50 आए, किसी को 65 आए, ऐसे चलता गया। फिर मैंने क्या किया, उनके मार्क्स का एवरेज निकाल लिया। एवरेज मतलब क्या किया, मैंने सम किया उनके सभी मार्क्स का, सम किया, सम मतलब ऐड किया, और फिर क्या कर दिया मैंने, नंबर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड कर दिया। सभी के मार्क्स का सम किया और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से डिवाइड कर दिया तो मुझे क्या मिला, एक वैल्यू मिला मुझे अगर 72। अभी क्या होता है, कभी भी कोई क्लास का टेस्ट होता है तो टीचर बोलता है कितने मार्क्स आए, एवरेज मार्क्स बोलता है 70-75, 70-75 मार्क्स आए बोलता बच्चे को, किसी को 90 मार्क्स भी आए होते, किसी को 85 भी होते, फिर भी। तो ये वही है, सम कर दिया सबके मार्क्स की और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर 10 है 10 कर दिया तो मुझे मिला 72, मतलब एवरेज हो गया। अभी इंस्टेंटेनियस मतलब क्या, इंस्टेंटेनियस मतलब एट पर्टिकुलर टाइम। अभी देखो, अगर आपको कहीं आपके गांव जाना है तो आपको गांव में जाए, गांव जाने के बाद पहुंचने के बाद वहां से पूछते हैं कितना टाइम लगा, कितने बजे निकले, तो आप बोलते हो 50-60 के स्पीड से आया था मैं। 50-60 मतलब आप बताते हो एवरेज स्पीड होता है वो आपका। अगर आपको पूछा जाए कि अगर आपका ये ए पॉइंट था जहाँ से आपने जर्नी स्टार्ट किया और ये बी पॉइंट था, अगर किसी ने पूछा कि अगर ये कोई एक पेट्रोल पंप था वहां पर, उस पेट्रोल पंप के वहां आपकी स्पीड कितनी थी, मतलब वो एक पॉइंट पर पूछ रहा है, वो पूछ रहा है क्या इधर कितनी थी उधर कितनी थी, नहीं, वो बोल रहा है पेट्रोल पंप के वहां स्पीड कितनी थी, एक इंस्टेंट पर पूछ रहा है, एक टाइम पर पूछ रहा है पर्टिकुलर, तो ये एक पर्टिकुलर टाइम पर स्पीड पूछता है तब इंस्टेंटेनियस होता है। इंस्टेंटेनियस मतलब एक इंस्टेंट पर, और एवरेज मतलब पूरे जर्नी कंसिडर होती है। चलो तो अभी कंसेप्ट पर आते हैं, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी मतलब कुछ नहीं होता है,
मैंने अभी बोला एवरेज वेलोसिटी, एवरेज आया तो टोटल एडिशन लेने की, किसकी वेलोसिटी मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यस। तो अभी ये हो जाएगा वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। बस यहाँ पर एवरेज है तो मैं डिस्प्लेसमेंट टोटल लूंगा, और डिस्प्लेसमेंट टोटल लिया तो उसको टाइम भी जितना लगेगा वो भी टोटल लूंगा, खत्म। दिस इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ओवर विच एवरेज वेलोसिटी इज बीइंग कैलकुलेटेड एंड डिवाइडेड बाय दैट टाइम इंटरवल। नहीं समझा होगा कुछ भी, कोई टेंशन नहीं लेने का, फार्मूला याद रखने का, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। समझ में आया बच्चों? समझ में आया होगा तो जल्दी से थम्स अप करके बताना। यस वेरी गुड सुशील, और बाकी बच्चे थम्स अप कीजिए जल्दी से, समझ में आया होगा। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या चीज है। एवरेज स्पीड है, स्पीड आया तो डिस्टेंस आता है, वेलोसिटी आया तो डिस्प्लेसमेंट आता है। देखिए सर, एवरेज स्पीड बहुत इजी है। एवरेज स्पीड ये होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब इसको ऐसे भी बोल सकते हो जितना डिस्टेंस चला है, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना लगा है उस डिस्टेंस को ट्रेवल होने में। देखिए इज डिफाइंड एज टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ओवर विच एवरेज स्पीड इज बीइंग कैलकुलेटेड डिवाइडेड बाय दैट टाइम इंटरवल, वही बताया है। क्लियर हुआ? अभी आता है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देखना बच्चा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? एक इंस्टेंट पर अगर वेलोसिटी पूछ रहा हो अभी, सर स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? देखो बच्चों, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसको डायरेक्शन नहीं होता है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन हम लोग कंसिडर करते हैं। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? सर एसी सर्किट होना, सभी चैप्टर होंगे आरपी, टेंशन मत लेना। यस सो यस, करेक्ट फार्मूला है, उसी फार्मूला पर आने वाला हूँ मैं अभी। स्पीड स्केलर होता है, उसको डायरेक्शन नहीं होता है। वेलोसिटी वेक्टर होता है लेकिन उसको डायरेक्शन होता है। मतलब अगर आप कोई पॉइंट पर बोल रहे हो कि इतना वेलोसिटी, तो आपको बताना पड़ता है पॉजिटिव में है या निगेटिव में। पॉजिटिव अगर मैं बोलूँ तो पॉजिटिव मतलब ये इस साइड में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साइड में, और निगेटिव बोलूँ तो निगेटिव वाई एक्स एक्सिस के साइड में, ठीक है। सिमिलरली वर्टिकल भी अगर जा रहा है वो भी मोशन देखेंगे, अगर ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव वेलोसिटी, नीचे आ रहा है तो निगेटिव वेलोसिटी। यही कंसेप्ट होता है वेलोसिटी के लिए, स्पीड के लिए कोई कंसेप्ट नहीं होता है ऐसा। चलो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स वेलोसिटी एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। एक कोई भी इंस्टेंट पर अगर वो वेलोसिटी पूछ ले तो उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इट इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी of the object over a small time interval delta t around t when value of time interval goes to zero। कुछ नहीं समझा होगा, टेंशन मत लेना, कभी नहीं कंसेप्ट कभी नहीं बोलोगे आप। अगर मैं बोलूँ आपको क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी को ऐसे वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर से दिखाते हैं। देखिए बच्चों, इंस्टेंटेनियस मतलब क्या, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं तो मैं बोल दूँ डेल्टा एक्स बार डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, सर टी को भी बाहर दे दो, नहीं स्केलर है। यस देखो बच्चों, अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डेल्टा मतलब चेंज दिखाता है, और अगर चेंज बहुत ही छोटा हो
तो हम डी से भी दिखाते हैं, डी जो डेरिवेटिव वाला डी होता है, डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स मतलब क्या, चेंज इन पोजिशन, और टाइम मतलब डी टी मतलब क्या, चेंज इन टाइम। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। लेकिन फिर सर ये तो क्या हो गया, ये तो एवरेज की तरफ जा रहे हैं हम। यस करेक्ट बच्चों, ये एवरेज की तरफ जाया जा रहा है, इसीलिए डेल्टा और डी में क्या डिफरेंस है ये आप मुझे बताओगे, कमेंट करो जल्दी से। हम लोग कभी डी लिखते हैं, कभी डेल्टा लिखते हैं। आरपी मूवीज कभी लेक्चर में दिखते नहीं हो, आज आके डायरेक्ट सर एसी सर्किट ले लो, आपके हिसाब से चलूंगा। अभी सीक्वेंस से चैप्टर चल रहे हैं सब। ओके चलो, तो डी मतलब स्मॉल चेंज होता है, डेल्टा मतलब लार्ज चेंज होता है, ये उनके बीच का डिफरेंस होता है। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला बनता है बच्चों, जहाँ पर डीएक्स जो है ये डीएक्स बार है, मतलब वो पोजीशन दिखा रहा है आपको अभी। हाँ चेंज डेल्टा करेक्ट। अभी इसी को ऐसे भी लिखा जाता है कई कई, कोई कोई बुक्स में आपको दिखेगा डीएस बाय डीटी भी दिखेगा, तो टेंशन मत लेना। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट ही होता है। यस सर चलेगा, आपने बता दिया तो खत्म। ये होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसको आपको डेरिवेटिव आना चाहिए। इसके क्वेश्चंस भी आते हैं अच्छे अच्छे एग्जाम्स में। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का बेसिक्स हम लोगों ने जितना लास्ट चैप्टर में देखा था बस उतना ही रिक्वायर्ड है, बाकी कुछ भी नहीं। चलो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया, अभी इंस्टेंटेनियस स्पीड देखते हैं। ये क्या होता है सर इंस्टेंटेनियस स्पीड, जैसे वेलोसिटी होता है वैसे स्पीड भी होता है। तो एक कोई इंस्टेंट पर, एक कोई पॉइंट पर अगर मैं स्पीड पूछ लूँ, अभी देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। एक ऑब्जेक्ट था जो इधर ट्रैवल कर रहा है और यहाँ पर कुछ टाइम t1 बोलता हूँ, यहाँ पर उसकी स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड, मैं स्पीड बोल रहा हूँ। और इधर अगर मैंने एक्सटेंड कर दिया, और ये कोई एक ऑब्जेक्ट है जो इधर मूव हो रहा है, और ये कोई टाइम t2 है, इस पर उसकी स्पीड है 70 मीटर पर सेकेंड। देखिए अभी मैं दोनों के लिए क्या लिखूँगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड लिखूँगा और इसके लिए भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी लिखूँगा। अभी ध्यान देना, इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब इस पॉइंट पर कितनी स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड। किधर जा रहा है वो, पॉजिटिव एक्स में, लेकिन उससे क्या लेना देना, हम तो ये स्पीड देख रहे हैं। यस सर स्पीड में तो कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 40 मीटर पर सेकेंड। अभी देखो इधर इंस्टेंटेनियस स्पीड, इधर भी तो क्या है सर, किधर भी जाने तो डायरेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है स्पीड में, 70। अभी ठीक से ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये पॉइंट का आप वेलोसिटी निगेटिव में भी होता है, ये पॉइंट पर कितना है वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव में है इसलिए ये पॉजिटिव ही रहेगा। अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब क्या सर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब वही इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी है 70 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है मतलब निगेटिव एक्स में, इसीलिए मैं लिखूंगा 70 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ बच्चों, क्लियर हुआ होगा तो जल्दी से थम्सअप करके बताओ। आरपी मूवीज आप देख रहे हो, मैंने पहले डिस्टेंस बताया, फिर डिस्प्लेसमेंट बताया, फिर स्पीड, फिर वेलोसिटी, अभी आऊंगा ना एक्सेलरेशन पे भी। ऐसा तो नहीं हुआ है कि आपका लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का और आप पूछ रहे हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। रुकिए थोड़ा, पेशेंस रखिए, सब होगा, टेंशन मत लेना, आप पीजीएमएन पर आए हो। देखो ये हो गया स्पीड इंस्टेंटेनियस और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। अभी देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, इट इज
लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट टेकन ओवर स्मॉल टाइम इंटरवल अराउंड टी व्हेन टाइम इंटरवल गोज टू जीरो। इसका मतलब लिमिट चैप्टर आएगा आपको मैथ्स में, लिमिट टी टेंस टू अगर मैं जीरो रखता हूँ इसका मतलब टाइम की वैल्यू करीब करीब जीरो है, मतलब मैं बहुत कम टाइम में मेजर कर रहा हूँ उस चीज़ को। लिमिट टेंस टू टी टेंस टू जीरो मतलब टी की वैल्यू जीरो नहीं है लेकिन टी की वैल्यू जीरो के करीब करीब है। चलो, इन सच ए लिमिट द पाथ लेंथ विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस सो द इंस्टेंटेनियस स्पीड विल ऑलवेज बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए वो यही बोल रहा है, अगर कोई पॉइंट पर भी आप इंस्टेंटेनियस चीज मेजर करते हो तो स्पीड और वेलोसिटी बराबर हो सकता है लेकिन मैग्नीट्यूड में, हर बार जरूरी नहीं है कि विथ मैग्नीट्यूड वो इक्वल हो। देखिए यहाँ पर विथ मैग्नीट्यूड इक्वल था, यहाँ पर भी विथ मैग्नीट्यूड इक्वल था लेकिन यहाँ पर वैल्यूज देखिए, वैल्यूज में साइन देखिए, यहाँ पर प्लस है ये माइनस है, स्पीड तो हमेशा प्लस होती है, वेलोसिटी भी यहाँ पर सेम सेम है, ये वैल्यू सेम नहीं है क्योंकि ये डायरेक्शन बता रहा है। मैग्नीट्यूड अगर बोलो तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। समझ में आया बच्चों? थम्स अप करो आरपी मूवीज। यस सर, ओके, सब होगा, टेंशन मत लेना। यस, वेरी गुड वेरी गुड, समझ में आया है बच्चों को? बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। चलो तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाएंगे अभी हम लोग। अरे वाह, क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन में तो और भी मजा आता है बच्चों इस चैप्टर के। चलो, कोई बोल रहा है अ पर्सन, कोई एक आदमी है जो वॉक्स फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू अलॉन्ग स्ट्रेट, स्ट्रेट जा रहा है पी से क्यू तक, पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक स्ट्रेट जा रहा है, 10 मिनट लग रहे हैं उसको। देन इट टर्न बैक्स एंड रिटर्न टू द पॉइंट आर विच इज अ मिडवे बिटवीन पी एंड क्यू आफ्टर द फर्दर 4 मिनट्स। ये क्या है सर, ये तो हम तो बहुत ही माहिर है सर इस चीज में, हमने बहुत सारे डायग्राम ड्रॉ किए ऐसे ज्योमेट्री में। अगर ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है और उसने बोला है आर इनका मिड पॉइंट है, पी से क्यू तक वो जा रहा है तो उसको टाइम लगा 10 मिनट्स। Yes, अभी then turns back and return to point R, यहाँ तक, यहाँ से ऐसे चलते चलते गया, यहाँ पर आया और उसने पलटी मारा, पलटी मारा मतलब turns back, यहाँ तक आया R तक और after further 4 minutes मतलब यहाँ से यहाँ चलने में उसको 4 मिनट लगाए, ठीक है। If PQ is 1 kilometer, PQ is 1 kilometer मतलब क्या है बच्चों, अभी PQ 1 kilometer मतलब ये distance आपको दिया है 1 kilometer, और देखिए अभी इंटरेस्टिंग चीज, और वो बोल रहा है आर मिड पॉइंट है, आर मिड पॉइंट है तो 0.5 किलोमीटर हो गया। यस, क्लियर है बच्चों चीजें क्लियर होंगी अभी तक। अभी देखो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं, उसने दो चीजें पूछी मेरे से, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। देखिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ठीक से ध्यान देना बच्चों अभी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में। एवरेज स्पीड मतलब क्या, कितना चला वो, एवरेज स्पीड मतलब होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और वेलोसिटी मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अभी बच्चों मुझे बताना टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्टेंस कितना है, बताओ डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ। पहले डिस्टेंस लिखो, कॉमा करके डिस्प्लेसमेंट लिखो जल्दी से।
आ रहा है बच्चों आवाज? चलो वापस रिपीट करता हूँ। देखिए ये टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए था हमको। टोटल डिस्टेंस मतलब क्या होता है? टोटल डिस्टेंस मतलब होता है कितना चला यहां से यहां तक गया, 1 किलोमीटर, वापस इधर आया यहां तक, मतलब ये 1 किलोमीटर और ये आधा किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर चला। और कितना टाइम लगा? 10 मिनट + 4 मिनट, 14 मिनट लगा है। यस, देन एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम चाहिए होता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये इनिशियल पॉइंट था मेरा और ये मेरा फाइनल पॉइंट है। यस सर, इनिशियल फाइनल तो है, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0.5 किलोमीटर, और उसको भी उतना ही टाइम लगा, 10 और 4 14 मिनट। समझ में आया? क्लियर हुआ कंसेप्ट? रिपीट किया मैंने, अभी इसके वैल्यूज बताऊंगा मैं आपको। ये आता है 0.1 मिनट बच्चों। हाँ, यस, क्लियर हुआ है क्या बताओ मुझे? यस, 0.1। अरे यार, जीरो पॉइंट वन जीरो सेवन किलोमीटर पर मिनट, इतना उसका एवरेज स्पीड था। अभी एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा? अभी केशव आ रहा है, एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा? ये आएगा 0.0357। किलोमीटर पर मिनट। क्लियर है बच्चों? समझ में आया है? अच्छा न्यूमेरिकल था, आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे वेलोसिटी और स्पीड के बारे में। जल्दी से थम्स अप करके बताओ समझ में आया होगा तो। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड बच्चों। चलो तो अभी आज यहां पर रुकेंगे, कल का पार्ट थोड़ा अलग रहेगा। देखिए यहां पर ग्राफ्स वगैरह ऐसे दिख रहे हैं आपको, तो कल हम लोग ग्राफ्स की स्टडी करने वाले हैं। तो आप लोगों ने जितना भी ग्राफ के बारे में पढ़ा है, बेसिक चीजें पढ़कर आना ग्राफ के बारे में, बहुत अच्छा, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। कल आते वक्त यहाँ तक जितना हुआ है पूरा रिवाइज करके आना है और ग्राफ्स के बारे में बेसिक चीजें पढ़ के आने हैं। चलेगा बच्चों? आएंगे पढ़ के, प्रॉमिस करो मुझे जल्दी से। समझ में आया सर? यस, वेरी गुड, अब बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, थैंक यू सर। क्लास ऑनलाइन होना? यस यस, ऑनलाइनच होणार, लाईव होणार, ऑनलाईन म्हणजे। चलो तो आज रुकते हैं बच्चों, मिलते हैं कल, थैंक यू।